हेलो गाइस, हेलो। सो दिस इज आवर फर्स्ट वीडियो एंड वी आर हियर एट नेट, नॉर्दर्न अल्बर्टा इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड इट्स आवर मेन कैंपस। या सो एंड मेरा नाम हेली पटेल है एंड दिस इज माय नेम इज तमन्ना। या तमन्ना, आई नो, अच्छा नाम है। और लाइक हमें लगा कि नेट पे इतने ज्यादा वीडियोस नहीं है और लोगों को प्रॉब्लम होती है, हाँ, कि नहीं हमें जानना है नेट के बारे में और तो हम ये यूट्यूब चैनल बेसिकली इसीलिए चालू कर रहे हैं, राइट। तो जैसे लाइक हम जैसे न्यूकमर्स थे, हमें बिल्कुल नहीं पता था कि कहाँ जाना है, क्या कहाँ है, स्टूडेंट कैंपस या फिर स्टूडेंट के हेल्प सर्विस सेंटर्स कहाँ हैं। सो वी आर जस्ट मेकिंग दिस वीडियो टू हेल्प यू एज वेल एज आवर्स। ओके, सो लेट्स गो इनसाइड। सो जस्ट टू गेट यू नो दैट ये कैट बिल्डिंग है ये पूरी, एंड स्पेशली फॉर द बिजनेस क्लासेस। यस, क्लासेस रिलेटेड टू एनी कॉमर्स एंड बिजनेस क्लासेस। और ये मैडम ही है, या साउथ एंट्रेंस। तो चलो हम देखते हैं। या ओके, देयर आर टू डोर्स। या और अब ये हम आ गए हैं अंदर कॉलेज के। सो सबसे पहले आपको दर्शन होंगे स्टूडेंट सर्विस सेंटर के। या सो स्टूडेंट सर्विस सेंटर बेसिकली यू कैन गेट इंफॉर्मेशन अबाउट योर कोर्स, एंड इफ यू हैव एनी डिफिकल्टीज अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग यू कैन डेफिनेटली रीच आउट एट स्टूडेंट सर्विस सेंटर। एंड ये नॉर्मली वीकेंड्स पे बंद होता है। सो यहाँ पे इसके टाइमिंग्स हैं। अब जब आप आओगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पे एक स्कैनर है जो कि सबसे पहले आपको स्कैन करना पड़ेगा अंदर जाने के लिए। यस। और फिर ये आ गया वन नेट कार्ड स्पेशली। ये देखो, ये टेंट पता किसने लगा? शायद इवेंट्स के लिए, ऐसा कुछ होगा, पता नहीं यार, ये ऐसे ही रोज लगा के रखते हैं। ओके, दिस वन नेट कार्ड इज बेसिकली फॉर द दिस कार्ड जो कि आपको कॉलेज से मिलेगा अगर आपकी ऑफलाइन क्लासेस है। Yes. और ये सब आपको आपके नेट पोर्टल से पता लग जाएगा। हाँ, और ये कार्ड से आप एनीवेयर यू कैन गो ट्रैवल। एक टाइप का यू पास है जो आप टैप कर सकते हो अपने बसेस एंड ट्रैवल करने के लिए। इसके लिए आपको अपना कोई बस पास खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड यू कैन आल्सो एक्सेस जिम्नेजियम जिम विद दिस। देखो ये ना एंट्रेंस है इवेंट का, पता नहीं क्या होगा यहाँ पे, फूड मिल जाए शायद। ओके, ये हमारा दूसरा एंट्रेंस है, यहाँ से भी लोग काफ़ी आते हैं बट मेन एंट्रेंस वही था। एंड देन अब आपको दर्शन होने जा रहे हैं स्टारबक्स के। स्टारबक्स, तो ये है हमारे अंदर का व्यू, लाइक इवेंट के अंदर का व्यू। और ये रहा हमारा स्टारबक्स। नॉर्मली लाइक क्लास हमारी जो भी होती है वो सेकंड फ्लोर पे होती है, कभी कभी फर्स्ट पे भी आ जाती है और फर्स्ट पे हो जाती है, बट नॉर्मली सेकंड पे होती है। एंड अभी इतनी पब्लिक नहीं है क्योंकि क्लास सबके शायद ख़त्म हो गए होंगे, सब घर चले गए होंगे। एक सिटिंग एरिया है जहाँ पे आप अपनी असाइनमेंट्स बैठ के कर सकते हो, व्हाटएवर यू वांट टू डू। वो रहा टीम के लिए सब इधर पागल है, सारे ही हैं, हम भी। तो हेली जी, आपके क्या विचार हैं स्टीम होटल के बारे में? विचार तो छोड़ो, ये लाइन तो कभी खत्म ही नहीं होती, ये तो नेवर एंडिंग, इनफिनिटी है ये, पता नहीं, वरना तो वैसे तो इससे भी ज्यादा होती है, देख सकते हो आप। yeah. और यहाँ पे आप भी अगर आप उस एंड लाइन में खड़े हो गए ना, आपका नंबर आएगा एक घंटे के बाद। नहीं नहीं, जस्ट जो कि आ जाएगा 15 मिनट्स। हाँ, आ जाएगा। और ये आ गया नया एरिया फॉर एनी, like you can sit and do your assignments and stuff. This is basically student association. Yeah. ऐसे लाइक होता है रूम जो आपको बुक करना पड़ेगा, पता नहीं, मे बी वन वीक पहले तो नॉर्मली बुक करना पड़ेगा। सो ये देखो, व्यू बहुत सुंदर आ रहा है। या जो भी कहो, सो यू कैन लाइक सिट ओवर हियर। ये एक काइंड ऑफ मेनली लोग इसलिए यूज करते हैं कि कोई ग्रुप प्रेजेंटेशन या हम एग्जाम भी करते हैं हम मेनली एग्जाम के लिए बुक करते हैं वैसे तो। बाहर
हाँ वही तो वही तो लाइक वैसे रूम्स होते हैं एंड यू कैन हाँ बहुत सारे हो गए. सो अब हम जा रहे हैं थर्ड फ्लोर पे. सो सारे फ्लोर मेनली तो सेम जैसे ही है, कुछ डिफरेंट नहीं है. वैसे टोटल 5 फ्लोर्स लाइक है वो ग्राउंड, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ या फिफ्थ. हाँ और आपको अगर अपना क्लास फाइंड करना हो तो यू कैन गो ऑन योर मूडल एंड साइंस बोर्ड्स बने हैं, जैसे कि अगर आपको प्रॉब्लम होगी रूम ढूंढने में, क्योंकि जैसे मेरे को हुई थी. हाँ सही में मैंने पता है कितनों लोगों को पूछा कि कहाँ जाना है किधर नहीं जाना. हाँ तो स्टार्टिंग में शायद प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकती नहीं होती है. डोंट वरी. ओके तो हम अभी कैट बिल्डिंग में थे और अब हम जा रहे हैं HP बिल्डिंग में. या और ऐसे एक लाइक पूल है जहाँ से आप जा सकते हो. या पेंटवे. आज वेदर काफ़ी अच्छा है यार. अनएक्सपेक्टेड. यस. कंप्यूटर सेंटर है. जैसे कि मुझे प्रॉब्लम हुई थी, इधर एक रिस्पोंडस ब्राउज़र होता है जिस पे हमारी एग्ज़ाम्स होती है, और उस पर पता नहीं मेरे कंप्यूटर में स्टार्ट नहीं हो रहा था लैपटॉप में. या तो मैं इधर आके उन लोगों ने मेरा इशू लाइक वेरी क्विकली दे सॉल्व. एंड वहाँ पे आप अपना कंप्यूटर अगर आपके पास नहीं हो तो आप बोरो भी कर सकते हो थोड़े टाइम के लिए. एंड क्या कंप्यूटर? नो लैपटॉप ऑफ कोर्स. हाँ तो अब ये था, ये HP बिल्डिंग थी और अब हम जा रहे हैं आप लोगों को जिमनेजियम दिखाने के लिए. स्पेशली मेरी फेवरेट प्लेस. यस. जब भी हम को टाइम मिलता है तो हम जाके बैडमिंटन एंड और सारे स्पोर्ट्स खेलते हैं. वैसे बहुत ऑप्शन नहीं है बट तो भी खेल लेते हैं. मजा आता है. या दिस इज द व्यू आउटसाइड. तो अभी जो आपने बिल्डिंग देखी थी वो एक्स बिल्डिंग थी. आपकी एक्स नहीं. ओह या. एंड उसमें मेजरली मेडिकल स्टूडेंट्स लाइक स्टडी करते हैं, जैसे कि आपने देखा ही होगा. मैंने देखा था. हाँ हम थोड़े पढ़ाकू बच्चे. नो वे. और अब हम आपको ले जा रहे हैं. किधर ले जा रहे हैं? ये हम राइम में क्यों बात कर रहे हैं पता नहीं. हम जा रहे हैं. जब पहली बार आए थे ना कॉलेज में, हम घूम रहे थे, कंफ्यूज थे किधर से कहाँ पे जाना है. ये तो अब यहाँ सारे बिल्डिंग्स कनेक्टेड हैं. हाँ आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी बट होगी स्टार्टिंग में, इसीलिए आप वीडियो जरूर देखना. यस. मेक श्योर यू वॉच दिस होल वीडियो, तभी आपको पता लगेगा. हाँ अदरवाइज हमारी तरह भटकने लगता है. 3 टीम हॉटन्स है पूरे नेट में और 2 स्टारबक्स. स्टारबक्स 2 है और भी फूड कोर्ट एंड वो तो है ही. हर एक बिल्डिंग में एक टीम है. लाइक जस्ट अ कैट बिल्डिंग में क्या, एक HP में, बिल्डिंग में और एक ये मेडिकल बिल्डिंग. यस मेडिकल बिल्डिंग. मेडिकल बिल्डिंग नहीं है, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए है. हाँ इसको कहते हैं एक्स बिल्डिंग है. यस. ओके. और कितना दूर जाना पड़ेगा? जैसा कि आप देख सकते हो हम चल चल के थक जाते हैं. हमारी आधी एक्सरसाइज ऐसी हो जाती है. हाँ जिमनेजियम में बस हम घूमने जाते हैं. हाँ वही तो. हाँ ओके तो हम आ गए हैं जिमनेजियम में. यस क्योंकि ये ऑलरेडी क्लोज्ड है, इसके टाइमिंग बहुत कम है. लेट है हम. एंड पूरा बड़ा सारा या बड़ा भी नहीं है. हाँ बट तो भी हम बास्केटबॉल खेल सकते हैं. इधर बैडमिंटन का एक है बट वो अभी निकाल दिया क्योंकि टाइमिंग ओवर है. और इतना ही है वैसे, बहुत बड़ा नहीं है. यस इतना काफी है. हाँ एक इधर है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट सेंटर, जैसा कि आप देख सकते हैं ये बोर्ड. हाँ और ये सेंटर है. यहाँ से आप बैडमिंटन इशू करवा सकते हैं. काफ़ी कुछ इशू करते हैं. हाँ हम पागल हैं जो हम सिर्फ बैडमिंटन लेते हैं. हाँ ये स्केट्स होती है, आइस स्केट्स, जो आप इधर से लेके फिर आइस स्केट का एक है जहाँ पे आप कर सकते हो. एंड वो एक्चुअली हमें भी नहीं पता उसका रास्ता एक परफेक्टली. तो अरे पता है. पता है. ओके. हाँ.
ओके, तो फाइनली हम जिम पहुंच गए हैं। ये जिम का एंट्रेंस है एंड जिम वैसे काफ़ी बड़ा है, सो यू कैन ऑलवेज कम हियर, बट नेट कार्ड भूल मत जाना, इधर अंदर जाने के लिए नेट कार्ड होना चाहिए। या वैसे बहुत बड़ा है रास्ता। अरे नहीं, खाली ऐसे ही कुछ यूनिक लगता है पूरे नेट कैंपस में, इसलिए वही तो। फाइनली हम बाहर से जा रहे हैं हमारी कैट बिल्डिंग में। शुक्र है बाहर आ गए, वही तो घूम ही रहे थे। हाँ, अभी भी हम कंफ्यूज ही है बिकॉज हमने कभी इतना एक्सप्लोर किया ही नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। सेकंड सेमेस्टर में ही है। हाँ, वैसे हम इतने ज्यादा वो नहीं हो गए, पुराने नहीं है। So, आप हमें अपने से कंपेयर कर सकते हैं। ओह यस, ओह माय गॉड, कितना अच्छा व्यू है। सही बात, सी कितने अच्छे अच्छे स्पॉट्स हैं यहाँ, देखो देखो। कौन से? कौन? हमारी नेट कॉलेज के सामने ही किंग्सवे करके एक मॉल है। दिखाई तो दे नहीं रहा, कहाँ पे है? क्योंकि हम वहाँ पे है नहीं ना, इसलिए नहीं दिखाई दे रहा। बता अरे क्योंकि किसी को कुछ परचेज करना ऐसा कुछ हो तो सबसे नियरेस्ट वो ही है। अब हम जा रहे हैं वापस से हमारी परछाइयाँ। अगर आपको रोड क्रॉस करना हो तो ऐसे ही मत क्रॉस कर लेना, क्योंकि यस सो आया कि नहीं पता नहीं, ये लोग क्यों जा रहे हैं। नहीं यार, बेइज्जती हो गई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बट नॉर्मली वॉकिंग की एक साइन आती है तभी आप इधर क्रॉस कर सकते हो, कहीं पे भी ऐसे ही क्रॉस नहीं कर सकते। इधर कार्स एंड रूल्स रेगुलेशंस सब है तो फॉलो करना पड़ेगा, या नहीं तो जेल का तो पता नहीं, ऊपर जरूर चल जाओगे। और ये ऐसे सब बस स्टॉप है जहाँ पे इतनी सारी पब्लिक खड़ी रहती है। ओके।